अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक बहन का बहुत ही संजीदा और एक खामोश पैगाम मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो आज के नौजवान लड़के और लड़कियों को तो जरूर सुनना चाहिए। वो बहन लिखती है कि जानते हो, मुझे मोहब्बत लफ्ज बहुत गंदा लगता था। मैं मोहब्बत को बहुत बुरा समझती थी। मैं मर्द जात को एक दरिंदे से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती थी, क्योंकि कॉलेज के दौर में मुझे किसी मर्द ने एक बार मोहब्बत में सीने से लगाकर छोड़ दिया था, और मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए था, क्योंकि मैंने उसे ही खुद इजाजत दी थी अपने साथ ऐसा करने की। जो हद मेरे लिए मुकर्रर थी, मैंने खुद ही उस हद को पार किया था, यानी निकाह से पहले मोहब्बत करने का। वो मुझसे टाइम पास करता था और मैं उसे मोहब्बत समझती रही। मैं ख्वाब देखने लगी थी, मैं उसके वादों पर जीने लगी थी, लेकिन जब निभाने का वक्त आया तो वो कमबख्त अपनी हर कही बात से मुकर गया, पलट गया, मुस्कुराकर मुझसे कहने लगा कि तुम जैसी गंदी लड़की मुझे नहीं चाहिए, जो किसी नामहरम से यूं दिन रात बातें करती रहती है, मिलती जुलती रहती है, तुम्हारा क्या भरोसा? मुझसे जैसे तुम बात करती हो, तुम औरों से भी करती होगी। ये उसका एक बहाना था मुझे छोड़ जाने का, लेकिन उसके इल्जाम ने और उसके अल्फाज ने खुदा की कसम मेरी रूह को तड़पा दिया था। मुझे मेरी ही नजरों से वो गिरा गया। वो बदबख्त हाथ छुड़ाकर तो चला गया और मैंने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि उसी ने आज मुझे यह सिखा दिया था कि मोहब्बत के नाम पर अपने जमीर का सौदा नहीं करना, किसी को इतना हक नहीं देना कि वो जब चाहे गाली देकर छोड़कर चला जाए। किसी के वादों पर बिक जाना सबसे बड़ी हिमाकत होती है, और किसी की मीठी बातों पर सब कुछ हार देना अपने जमीर का कत्ल होता है। किसी के चंद हमदर्दाना बातों पर खुद को इतना सस्ता कर देना कि जब चाहे वो पाव से ठोकर मारकर चला जाए, हरगिज नहीं। मैंने उसके जाने के बाद खुद को मजबूत किया और हमेशा के लिए सोच लिया कि जितना मर्द जात से मैं दूर रहूंगी उतना महफूज रहूंगी। भला कल को कैसे मैं किसी पाक मर्द का तसव्वुर कर सकती हूं खुद को दागदार करके? भला कैसे किसी की पाकीजा मोहब्बत बन सकती हूं खुद की मोहब्बत को नीलाम करके? भला कैसे मैं एक बाहया मां बन सकती हूं किसी बाकिरदार बेटी की? लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों के बाद मेरी जिंदगी में वो इंसान आया जिसने मुझे अपने निकाह में कबूल किया और मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं मोहब्बत से पना मांगती थी, लेकिन मुझे मेरे हमसफर ने मोहब्बत में जीना सिखा दिया। मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे खातिर कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और पसीने से भीगे हुए वो मेरे खातिर बेहाल हो जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे आवाज देते हैं किसी काम के लिए और मुझे मसरूफ और बिजी देखकर खुद काम करने लग जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब वो दिन भर के थके हारे आते हैं और मेरी हल्की सी मुस्कुराहट पर वो दिन भर की थकन भूल जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कुछ गलत काम करूं तो वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, मुझ पर चिल्लाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद खुद मेरे पास आकर बैठ जाते हैं और मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे दुनियादारी की बातें समझाने लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं। जानते हो, मैं कभी कभी वो फरमाइश कर देती हूं जो उनके बस का नहीं होता, वो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहते हैं कि दुआ करो, एक दिन जरूर मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। मैं अक्सर नमाज के बाद हाथ उठाए उनकी लंबी जिंदगी की दुआ मांगती हूं कि उनके साथ ही मेरे दोनों जहान हो। आपको पता है, जब मैं थक जाती हूं तो मेरी राहत सिर्फ उनके बाहों में सीने पर सर रखकर आंखें बंद करके खामोशी से लेट जाना होता है। मुझे एहसास होता है कि निकाह से पहले कैसे मैं किसी का
टाइम पास बन गई थी। मैंने कैसे किसी दरिंदे के लिए खुद को इतना सस्ता कर दिया था। हां, मैं शर्मिंदा होती हूं कभी कभी जब वो मेरे बालों में कंघी कर रहे होते हैं। मैं महसूस कर रही होती हूं कि मैं ऐसे पाकीज़ा रिश्ते का भरम नहीं रख सकी। निकाह से पहले मैं कैसे किसी की रखेल बनी रही। रखेल सिर्फ जिस्मों का मिलना नहीं होता, बल्कि किसी के खातिर रात भर जागना भी होता है, रात भर किसी से बातें करना भी होता है, किसी के खातिर अपने और अपनों को धोखा देना भी होता है, किसी के खातिर अपने जिस्मों को वहां उसके हवाले कर देना होता है कि वो बदबख्त हमारे जज्बात के साथ खेल कर चला जाए। वो बहन अपने खत में लिखती है कि मैं हर बहन से कहती हूं कि मोहब्बत के हर दावेदार से दूर रहे, सब धोखा है, फरेब है, झूठ है, चंद दिन का तमाशा है, फिर सारी मोहब्बतें वो तुम्हारे मुंह पर थूक कर चला जाएगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि मेरा शौहर, मेरा हमसफर आज मेरी सांस में सांस लेता है। बस मेरा गुनाह ये है कि मेरी जिंदगी में उनके सिवा कोई और भी आया था, मेरे साथ खेला और खेल कर चला गया। काश मैं ऐसी मोहब्बत से दूर रहती। एक बात समझ लो बहनों, मोहब्बत चाहे जितनी सच्ची हो, बगैर निकाह के हराम है। मोहब्बत निकाह से पहले चाहे आबे जमजम से धोई हुई हो और कुरानी आयात से दम किए हुई हो, गुमराही है, धोखा है, फरेब है, बेहयाई है और हराम है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस बहन के खत से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।